సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కు మద్దతుగా ముంబైలో బీజేపీ కార్యకర్తలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. సీఏఏ, ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాలకు మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు. సీఏఏతో ఎవరి పౌరసత్వం పోదని, అనవసరమైన భయాలు వద్దన్నారు. సీఏఏ వ్యతిరేక ఆందోళనలో హింసను ఖండించారు బీజేపీ నేతలు. देखिए, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं उतरे तो देशभक्त के नाते उतरे हैं, जो सीएए के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, चेंबूर की जनता है, ये सब रास्ते पे उतरी है समर्थन देने के लिए. जिस प्रकार से सीएए का कायदा पारित हुआ है, उसके दूसरे दिन से जैसे विरोधक ने जो हंगामा मचाया है, जो अफवाहें झूठ फैलाई है, ये कायदा हमारे देश को मजबूत करने वाला कायदा है, देश की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ कायदा है. उसी प्रकार से आज ये सीएए का मुद्दा आया है जो देश के हित का है, तो विरोधों को अभी समझ में कि हमारी राजनीति की दुकान बंद होने वाली है, तो हमें किस प्रकार से माहौल खराब करना चाहिए. जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बिखरा के जैसे राज किया, वैसे ये कांग्रेस सरकार वही चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम में आपस में झगड़ा हो जाए और मुस्लिमों को डर फैला जाए कि ये सरकार आपके खिलाफ है, ये कायदा आपके खिलाफ है. तो नहीं, जो विरोधक है, जो कम्युनिस्ट वाले है, जो विरोधक है, उन्होंने इसका अभ्यास करना चाहिए और पढ़ना चाहिए ये सही में किसके खिलाफ है कि किसके समर्थन में, ये उनको भी मालूम है, ये समर्थन में ही है. आज देश में जो अशांति फैली है, हम उसके विरोध में यहाँ पे उतरे हुए हैं. हम एक देशभक्त नागरिक होने के नाते इस बिल का समर्थन करते हैं. इस बिल को किसी जाति धर्म के मजहब से न देखा जाए, बल्कि जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के रूप में हमारे हिंदू मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो रह रहे हैं, उन सबको हमारे देश में नागरिकता अगर नहीं दी जाएगी तो आप सोचिए विश्व में दूसरा ऐसा कौन सा देश है जहां उनको नागरिकता दी जा सकती है. इसके लिए भारत ने जो कदम उठाया है, बहुत सोच समझ के उठाया है. मुस्लिमों के लिए तो बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं उनको संरक्षण देने के लिए, और फिर भी 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लाखों लोगों को हमारे देश ने शरण दिया है, पाकिस्तान से आए लोगों को शरण दिया है. आज अगर हिंदू और क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और जैन लोगों को अगर संरक्षण देने की बात हो रही है, इनके पेट में, कांग्रेस के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है, विपक्ष के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है. मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये बिल किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हमारे दूसरे देश के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जिसको सताया जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है.